हेलो बच्चों, आज का हमारा सवाल है, एल लंबाई का एक सरल लोलक ऊर्ध्वाधर झूल रहा है। डोरी का तनाव बताएं जब वह ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाती है तथा गोलक का द्रव्यमान एम तथा इसकी चाल वी है, जी गुरुत्वीय त्वरण है। चार ऑप्शन दिए गए, हमें सही ऑप्शन बताना है। अब देखिए, ये हमारा कोई सरल लोलक है जो क्या है, झूल रहा है। मान लीजिए ये हमारा लोलक इस पोजीशन पे है जहां ये ऊर्ध्वाधर से कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण, और रस्सी की लंबाई एल है और गोलक का द्रव्यमान एम है। ये गोलक है, इसका द्रव्यमान एम है, इसकी चाल हमें वी दी गई है। अब देखिए, अगर हम बात करें तो इसका भार नीचे की तरफ कितना लगेगा, एम जी लगेगा। इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ाएं, ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा, तो mg के अगर हम घटक करेंगे तो इस दिशा में क्या आएगा, mg cos थीटा आएगा और इस दिशा में आएगा mg sin थीटा। ठीक है, अब हमारा रस्सी में तनाव ऊपर की तरफ हम मान सकते हैं t है और गोलक पे बाहर की तरफ एक अपकेंद्रीय बल कार्य करेगा जिसका मान कितना होगा, एम बी स्क्वायर बटा आर के बराबर होगा, जो कि जिस त्रिज्या पर ये गोलक घूम रहा है। तो सभी के बल अगर संतुलित अवस्था में है तो टी का मान कितना हो जाएगा, टी का मान होगा एम बी स्क्वायर बटा आर प्लस का एम जी कॉस थीटा, और त्रिज्या क्या है, लोलक की लंबाई के बराबर ही होगी, तो t का मान हो जाएगा एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी स्क्वायर बटा r की जगह हम क्या लिख सकते हैं, l लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा रस्सी का तनाव t। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा b ऑप्शन सही होगा। आशा है आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।